नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राज और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। महिला सुरक्षा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है इन 9 महीनों में प्रदेश में बलात्कार गैंगरेप की घटनाएं बढ़ गई हैं। सरकार में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पिछले 8 महीनों में प्रदेश में 600 बलात्कार की घटनाएं घटित हुई, जिनमें 129 तो सिर्फ बिलासपुर में हुई। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी एवं शहर अध्यक्ष विजय पांडेय ने कहा कि महिलाओं पर बढ़ते बलात्कार की घटनाओं एवं बढ़ते अपराध को लेकर कल 3 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करने जा रही है। इस धरना प्रदर्शन में कुल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैद बिलासपुर के आंदोलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 माह में बनी है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है महिलाओं के साथ। बिलासपुर जिले की बात करें, लगभग 129 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की FIR दर्ज हो चुके हैं, घटनाएं घट चुकी हैं। लगभग 600 से अधिक घटनाएं महिलाओं के ऊपर इस प्रदेश में घट गई है। 4 साल के छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया जा रहा है। लगातार कानून व्यवस्था इस छत्तीसगढ़ में नौ माह के छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार में बिगड़ चुकी है। पूरे प्रदेश के पूरे देश के आंकड़े उठा लें तो सबसे ज़्यादा कानून की लचर व्यवस्था, महिलाओं के साथ अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है। हम लोग इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगातार सड़क पर आंदोलन करने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय दीपक बैद जी के नेतृत्व में कल हम सभी मौन धरना प्रदर्शन इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ करेंगे। और जब तक पोला का त्यौहार है, जब पोले के त्यौहार में इतनी बड़ी घटनाएं महिलाओं के लिए हो चुकी हैं, तो इस पोले के त्यौहार के माध्यम से अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की बात करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ियों की महिलाओं की सुरक्षा देने का काम का नैतिक दायित्व भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया और शासन के लोगों का है। इसको लेकर हम लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही है। महिला सुरक्षा के नाम पर हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम उन ताकतों को भी कहने वाले हैं जो बंगाल की घटनाओं में लगातार देश में बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आज जब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है देश में और छत्तीसगढ़ में, और जब छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित रहे, तो यहाँ के नेता मौन क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के लगातार उस पर निरंकुश क्यों नहीं हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। हमारे बीच हमारे जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय पांडे जी भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। हमारे विधायक, सभी विधायक, पूर्व विधायक, महापौर सभी यहाँ उपस्थित हैं इस बात को लेकर कि महिलाओं को सुरक्षा छत्तीसगढ़ में मिलनी चाहिए। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, बलात्कार की घटनाएं बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। ये 7 महीने का आंकड़ा हम लोगों ने बिलासपुर जिले का जुटाया है, जिसमें 5 दिसंबर 2023 से 30 जून 2024 तक के मात्र 7 महीने में 7,506 अपराध पंजीबद्ध हुए। उसमें महिलाओं के बलात्कार के जो प्रकरण हैं वो 129 है, जो पूरे देश का 25%। अगर प्रदेश वाइज आंकड़े को विश्लेषण करें तो पूरे देश का 25% बलात्कार छत्तीसगढ़ में 7 महीने को दौरान हुआ है। और मात्र 9 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अभी हमारे यहाँ तीजा पोरा का पर्व, जो सांस्कृतिक विरासत और महिलाओं का जो आध्यात्मिक आस्था से जुड़ा पर्व है, उसको मनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज विज्ञापन में भी मोदी जी का तस्वीर छपा हुआ है। तो जिन महिलाओं के त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाने की बात कर रहे हैं, उन महिलाओं का छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अपमान हो रहा है, ये अपमान सहने योग्य नहीं है। चाहे पुसौर की घटना हो, जसपुर की घटना हो, कोंडागांव की घटना हो, भिलाई में बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो, पूरा प्रदेश एक तरह से अपराध गढ़ बनता जा रहा है। और इसीलिए जो सर्वाधिक अपराध बिलासपुर में जिले में हुए हैं, उसको लेकर कल 12 बजे नेहरू चौक पे कांग्रेस पार्टी न केवल बिलासपुर के जिले में
बल्कि पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में धर्म महिला सुरक्षा को लेकर के और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के मौन धरना प्रदर्शन काला फीता लगा करके करेंगे, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैजी बिलासपुर में करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।